हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं आरंगी, जो कि बसना सरेपली में है। वहाँ हमारा एक प्रोग्राम है कीर्तन का, महामंत्र नाम जपन करने का एक मौका मिला है। हमारा कीर्तन का जो प्रोग्राम है वह बहुत दूर दूर तक जाता है। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, हर जगह को देखिए। हमारे कीर्तन दल का नाम है ओम श्री श्री आदि मातेश्वरी संकीर्तन्य मंडली शांकरा गुड़ीपारा। तो ये हमारे कलाकार लोग हैं। अभी देखिए, ये हमारा जो जिस गाड़ी में हम जाते हैं SML में, नीचे गदिया बिछा देते हैं, सब आराम से बैठ के सो के जाते हैं। ये गदिया है, यहाँ व्यवस्था करते हुए हमारे कलाकार लोग हैं ये सब। ये देखिए हमारा जो कीर्तन मंडली का जो हमारा रियाज करने का जो घर है, अखड़ा घर जिसे कहते हैं, यहाँ से हम सामान लेते हैं। ये हमारे कलाकार लोग हैं, बैठे हैं यहाँ सब लोग में एक्साइटमेंट बहुत है। ये देखिए गदिया में सब बैठ के कितना मज़ा करते हुए। ये मनोज जो कि स्पेशलिस्ट ठिकड़ी वादक, ये हमारे मैनेजर चढ़ते हुए, और देखिए कितना बढ़िया सब बैठे हैं, एक घर में बैठे हैं टाइप का लग रहा है। सभी कितने हंसी मजाक के साथ बैठ के पिकनिक टाइप का लगता है, मज़ा आता है। एक भक्ति भी हो जाती है, भगवान का नाम भी भजन हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इसमें हम लोगों को। तो ये प्रोग्राम जो है आरंगी जो है बसना सरेपली साइड है, हमारे गांव से लगभग 130 किलोमीटर है। तो इस प्रोग्राम में हम एक दूसरे से हंसी मजाक करके जाते, हंसते खेलते हुए जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। लाइफ में ऐसे मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे में भाईचारा का भावना सिखाता है हमें। ये देखिए हम लोग निकल पड़े हैं गांव से, सब कितने खुश हैं, कितना हंसी मजाक कर रहे हैं। देखिए बहुत ही खुश हैं सब। ये हमारे एक ठो मैनेजर हैं, दो तीन मैनेजर हैं हमारे पार्टी में, जो कि व्यवस्थापक हैं, चलाते हैं बढ़िया से। आपस में गप सप करते हुए ये खोए हैं किस ध्यान में, दुकालू जी। इस सफ़र में हवा का आनंद लेते हुए, गर्मी भी अभी बढ़ चुकी है तो हल्का हल्का हवा जो पाता है हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा लगता है, आरामदायक है, सुकून मिलता है। देखिए कितना बढ़िया बैठ के सब जा रहे हैं, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है, आराम से सब बैठ के जा रहे हैं। रोड भी अच्छा बना हुआ है। वहाँ हमारा प्रोग्राम जो है टिका पाली, जो कि फेमस पार्टी हैं, उनके साथ होगा। बामनी हैं, रसोड़ा हैं, और हमारा आदि मातेश्वरी संकीर्तन्य मंडली सांकरा गुड़ीपारा। ये लगभग 130 किलोमीटर हम जाएंगे और फिर वापस देर रात तक वापस आएंगे, 130 किलोमीटर लगभग। तो इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि YouTube के माध्यम से हम लोगों का प्रोग्राम देखते भी हैं, और लोग पसंद करते हैं तो हमें प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं, हम लोग उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और प्रोग्राम करने जाते हैं। वो भी हमारा सिलेबस देख के, छुट्टी टाइम टेबल देख के जाते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि भक्ति भी हो जाती है, कलाकारी भी हो जाती है, और हमारा शौक भी पूरा हो जाता है, भगवान का भजन भी हो जाता है, क्योंकि कला से भी जुड़ना है। देखिए कैसे सोए हैं सब लोग, कितना बढ़िया, घर में जिस प्रकार हम सो के जाते हैं उस प्रकार सो के जा रहे हैं। इससे मज़ा और आप क्या ले सकते हैं। आप सोना चाहते हैं तो सो सकते हैं, बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, इतना मज़ा आप और कहीं नहीं पाएंगे। घर में भी इतना मज़ा नहीं आता है, घर परिवार सब भूल के हम लोग आते हैं, इतना मज़ा आता है। ये देखिए हम लोग लगभग ये दानसरा के घाटी के इधर पार हो चुके हैं। ये पर्वत का नज़ारा देखिए उधर, मतलब यहाँ से और हमको 60-70 किलोमीटर पड़ेगा, जो गांव जाने वाले हैं आरंगी वहाँ पड़ेगा, बैतारी के आसपास। उस गांव में जब जाएंगे तो बैतारी के आसपास है। बोला जाता है कि वहाँ भालू, वन भैंसा आदि का प्रकोप रहता है रात को,
तो रात को निकलने से थोड़ा वहाँ परहेज किया जाता है। बोला जाता है वहाँ भालू, बंदर और ये वन भैंसा का बहुत ही आतंक रहता है उस परिवेश में। देखते हैं वहाँ क्या होता है, जाके देखते हैं। ये हम लोग भंवरपुर में पहुँच चुके हैं जो कि वहाँ का बहुत बड़ा सिटी है भंवरपुर। तो प्रीतम कुछ बोलते हुए हमसे, हमारे ब्लॉग वालों से, प्रीतम जो कि हमारे एक अच्छे गायक भी हैं, गाने में मदद करते हैं। हम पहुँच चुके हैं उस गांव में, ये पंडाल है। ये हमारा बैग है। अब हम यहाँ अपना अपना ड्रेस पहन चुके हैं और प्रहर का नाम पकड़ेंगे। ये सभी ड्रेस होते हुए रात्रिकालीन प्रहर पड़ता है। अभी हम नहा के आ चुके हैं अभी और चालू करेंगे नया प्रहर, हमारा अभी चालू होगा। और अभी का जो प्रहर है, मस्त नहा धो के सुबह का टाइम जो प्रहर चलेगा वो अच्छा लगेगा। अभी आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। प्रीतम सभी तेल लगाते हुए अभी यहाँ करते हुए अभी प्रहर चालू होगा। नाश्ता कुटो सब लोग और क्या। जिस घर में हम अभी डेरा में हैं वहाँ बूंदी और मिक्सचर का ये बहुत ही अच्छा नाश्ता हमारे लिए लाया गया है। देखिए कितना मिल बांट के सब लोग खाएंगे। और अब सुबह के प्रहर के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना बढ़िया, सब रेडी हो चुके हैं ना सुबह के प्रहर के लिए। अभी हम लोग प्रहर चालू। तीन प्रहर पड़ता है, नाचने के बाद फिर रेस्ट करते हैं, फिर हमारा जब प्रहर पड़ता है फिर आते हैं, फिर यहाँ नाश्ता भी हमको दिया जा रहा है। देखिए पूरी सब्जी का व्यवस्था है, कितना बढ़िया व्यवस्था है, सब मिल के सब खा रहे हैं, कितना मज़ा, एक साथ खाने में आनंद आता है। ये प्रसाद महाप्रसाद है ये, नाम जपन करने के बाद। ये देख सकते हैं यहाँ गाड़ी रखने का कितना सुविधा किया गया है। एक तालाब है जो कि सूख गया है, इधर पर्वत का नजारा, देखने में सीन पर्वत का नजारा देख सकते हैं यहाँ कितना भीड़ है। जिन्होंने भक्त मानकर मनोकामना पूर्ण हिसी और ये गोटे पवित्र भूमि जिन्होंने आज अस्त प्रहरी नाम संकीर्तन ते आज जन इटा हवार ते अंतिम समापन कार्यक्रम थी। आम सब मंडली इन उपस्थित अच्छा समस्त कीर्तन मंडली कहीं स्वागत कार्यक्रम के करवार लगे ही इन मुई ख्याल हो और जेन आम कार्यक्रम थी। आते वक्त सब हम लोग होटल में खाना खाते हुए
सब बहुत खुश हैं, आराम से खा पी के मस्त एंजॉय करके हंसी खुशी करके आते हैं। हमारे भास्कर जी हैं जो कि ऑपरेटर हैं हमारे,